नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि एसएससी आपका अभी आपके एसएससी जीटी और एसएससी सीजन आपके फॉर्म आए हुए हैं, और अभी आपका फिर से एक पोस्ट फेज सिक्स पर आपके से बहुत सारी पोस्टें निकाल गई हैं, लगभग 1100 मान सकते हैं, अबाउट 1200 के पास में। तो ये इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ से हम इसकी डिटेल देखेंगे कि किस तरह है, कौन सी डिटेल और क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो अब चलते हैं अपने डिटेल की तरफ, तो हम इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारा नोटिस है वो कह रखा है टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ एसएससी। कब अपलोड किया? आज के ही डेट में, यानी कि 5/9/2018 5 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नमेंट, यह है ग्रेवरेंस एंड पेंशंस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत। तो हम नीचे जाते हैं, तो ये आपका गवर्नमेंट इज टाइप टू हैव ए वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। वुमेंस के लिए अच्छे चांस होता है क्योंकि इसमें वुमेंस की फ़ीस जो होती है वो ज़ीरो रखी जाती है। इसमें SC ST की जो फ़ीस रखी गई है वो 200 है, सॉरी SC ST नहीं है, जनरल और OBC की फ़ीस 200 है, और SC ST और ऑल जनरल और OBC और या सभी लड़कियों की जो गर्ल्स की फ़ीस है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो इसमें किस तरह से हम ये देखेंगे, देखिए पहले ही उन्होंने कह रखा है कैंडिडेट गुड गो थ्रू द रिक्रूटमेंट नोटिस केयरफुली बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट। पहले बिल्कुल सही से नोटिस को पढ़ लेना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नोटिस पढ़ लिया, नोटिस नहीं पढ़ते हैं, बाहर किसी भी वेबसाइट पे या पोर्टल पे दे दिया कि ये वैकेंसी आई हुई है और वो उसमें अप्लाई कर देते हैं। बाद में क्या होता है, छोटी सी मिस्टेक आ जाती है, या तो उनके पास मांग लिया जाता है ड्राइविंग, या होता है उनके पास कोई और एलिजिबिलिटी मांग ली जाती है, या कुछ और हो जाता है। तो इस तरह से जब भी ऑफिशियल नोटिस निकले केवल उसी पर ध्यान दें, और ऑफिशियल नोटिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऑफिशियल नोटिस की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हम आपको ब्रीफली समझा देते हैं, आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। ठीक है, तो पहले ही आपको कह रखा है, देखिए कैंडिडेट नो मीटिंग एलिजिबिलिटी कैंडिडेट कैंसल्ड एनी स्टेज, वो किसी भी स्टेज में अगर कैंसिल किया जा सकते हैं, आपको पहला एग्ज़ाम दे दिया उसके बाद किसी भी स्टेज में आपको कैंसिल कर सकते हैं आपकी एलिजिबिलिटी अगर मैच नहीं करती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आपका है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट टू रीजनल सब रीजनल ऑफिसर्स फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस कैटेगरी पोस्ट, यानी कि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी हैं, अलग अलग रीजन की पोस्टें आई हुई हैं, तो अगर वो उन वेबसाइट पे जाके देखें तो बहुत ही अच्छा होगा। आप मत जाइएगा, मैं आपको इसी वीडियो में सारा कुछ बता दूंगा। अब ये देखिए SSC रीजन एंड स्टेट UT एंड जैसे UTs एंड आपका जुरिडिक्शंस ऑफ रीजन दे रखे हैं और उनके एड्रेस ऑफ कहाँ कहाँ आपको रीजन होगा। जैसे सेंट्रल रीजन वो आपका रीजन डायरेक्टर है, यानी कि सेंट्रल रजिस्टर ऑफ सिलेक्शन कमीशन इसका खुद का है, ये कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद में। ये रीजंस की आपकी वेबसाइट्स भी आपको दे रखी हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। अब हम नीचे आ जाते हैं, ये रीजंस आप देख लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है रीजंस के बारे में पढ़ना। लेकिन यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर और आपको ईमेल एड्रेस करेक्ट भरनी है ताकि वो आपको फ्यूचर में भी लगभग ये 2-3 साल तक आपका रजिस्ट्रेशन रहता है, तो इसलिए आपको मोबाइल नंबर बहुत ऐसा रखना है जो हमेशा आपके साथ रहे, और ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड हमेशा आपको याद रहे। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट गिवन इन नोटिस में देखो दे रखा है नीचे आपका नेशनलिटी कहीं की भी हो सकती है, इंडिया, नेपाल, भूटान, आप कहीं से भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन फीस एक्सेम्प्टन फॉर पेमेंट ऑफ फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट फीस पेबल हो गई 100 रुपीज ओनली, 100 रुपये रखी गई है। फीस कैन बी पेड थ्रू SBI चालान से इसे भी पे कर सकते हैं, और किसी अदर मोड से अगर इसे SBI के ही चालान से केवल पे होगी और किसी मोड या किसी और बैंक से ये पे नहीं की जाएगी। देखिए वो मेन कैंडिडेट SC ST हो गया, जितने भी PWD है, एक्स स्टूडेंट्स हो गया, इन सभी के लिए फीस जो क्या है माफ़ है, बाद में इनसे फीस, यानी कि इनकी फीस जो है जीरो है।
एक 5 से स्टार्ट हो गए और लास्ट डेट जो है उसकी 30 है। ये आपका एज रिलेक्शन की प्रोसेस है, एस सी एस टी को कितना, ओ बी सी को कितना, पी डब्ल्यू को कितना, ठीक है, इन सब के लिए आपको यहाँ पे दे रखा है। फिर ये आपका दे रखा है कि जो क्वालिफाइंग कंप्यूटर जो सी बी टी होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसको क्वालिफाइंग के लिए अनरिजर्व 35%, ओ बी सी आपका 30%, अदर कैटेगरी आपकी 25%। फिर देखिए इसमें क्या रखा है, इन द रेशियो ऑफ 120 फॉर अप टू 5% वैकेंसी एट एनी स्टेज ऑफ कोर्स, मतलब वैकेंसी जो है 5% 5 गुना तक बढ़ सकती है, वैकेंसियाँ जो है 5 गुना तक किसी भी टाइम बढ़ाई जा सकती हैं या 1:10 के हिसाब से घटाई भी जा सकती है, ठीक है, इसके हिसाब से। और इसमें आपको बाकी डिटेल के हिसाब से भी मैं बता देता हूँ। इसमें आपका एग्जामिनेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी। एग्ज़ाम का जो स्कीम है वो आपका ये पैटर्न रहेगा, देख लीजिए, 4 होंगे इंग्लिश यानी कि आपकी मैथ, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, ये 4 आपके होंगे, 4 होंगे 50-50 यानी 200 के मार्क्स के होंगे। और आपको ये देखिए 200 के मार्क्स के होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे और 60 आपको मिनट मिलेंगे, मतलब 1 घंटा आपको दिया जाएगा। अच्छी है, बहुत अच्छी बात है ये तो, ठीक है। और फिर चलते हैं हम कि आपकी कौन सी पोस्ट कहाँ पे होगी और आपको उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी हो और जिस रीज़न में भी हो, ज़रूरी नहीं है इसी रीज़न में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो आपको ये सब चेक करना पड़ेगा कि आपको किस रीज़न में जॉब चाहिए। तो अब मैं नॉर्थ रीजन में जाता हूँ, सेंट्रल की जगह नॉर्थन रीजन सर्च कर लेता हूँ पोस्ट, अगर मुझे मिलेंगी तो मैं इसमें अप्लाई कर सकूँगा। जैसे आप नहीं मिलती हैं तो, और कोई ना कोई तो आपको क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। अब जैसे इसमें देखिए ये है नॉर्थन ईस्ट रीजन है, उसके बाद इसमें देखिए ये आपका है जैसे अकाउंटेंट में है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, इसकी डिटेल आप ओपन करके देख सकते हैं, जो भी आपको जो भी लगेगी इसमें मुझे क्वालिफिकेशन मिल जाएगी, जैसे डिग्री हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कोई भी चलेगी, ठीक है। एंड 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कैश अकाउंट में, अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें फिल कर दीजिए, वरना आप वापस आइए। देखिए अकाउंटेंट लेबोरेटरी असिस्टेंट वाला, फोटो आर्टिस्ट है, जूनियर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd, ये तो आप आसानी से भर सकते हैं। स्टेनोग्राफर जो ग्रेड 3rd होती है उसमें आपको बैचलर डिग्री मांगते हैं किसी में, और स्टेनोग्राफर आनी चाहिए। देखिए ये आपकी थी लेबोरेटरी असिस्टेंट की, इसमें इंटरमीडिएट हो या एसएससी जो होता है आपका 10+2 पास होना चाहिए साइंस से या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से, किसी भी बोर्ड से रिकॉग्नाइज हो, और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी वर्क इन रिप्यूटेड लेबोरेटरी, ठीक है। अगर एलिजिबल हैं तो क्लिक कर दीजिए। तो पहले आपको सिर्फ जो उसका ये नोटिफिकेशन है ये पढ़ लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल कर देना है। तो जैसे ये हमारी है स्टेनोग्राफ, ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd, तो आप अलग अलग रीज़न की अलग अलग देख सकते हैं। इसमें मैट्रिकुलेशन होना चाहिए हाई स्कूल और स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट की स्टेनोग्राफर में इन रीजनल लैंग्वेज जो भी है वो आपकी, जैसे नॉर्थ ईस्ट है तो हिंदी में आपकी होनी चाहिए एनी सब्जेक्ट, और स्टेनोग्राफी इसमें आपको जॉब मिलेगी। तो ये अच्छी अच्छी आपकी पोस्ट आई हुई है, इन्हें अप्लाई कर दीजिए और अच्छे अच्छे से आपके जॉब्स भी हैं। तो अब कैसे जॉब अप्लाई करना है मैं इसका वीडियो बना दूंगा, और जितने भी ये डॉक्यूमेंट हैं और लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और जाने से पहले बताऊंगा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसे अपनी पोस्ट का ये जो आपका नेम होता है वो चूज़ करें, क्योंकि आगे जाने पर अभी आप जो फॉर्म भरेंगे तो बहुत ही कन्फ्यूज़न होगी आपको, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे भरेंगे मैं effects for